हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। आज हम इसके सेंट्रल लॉक के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल लॉक की बहुत सारी सेटिंग रहती है इसके अंदर, अलार्म की सेटिंग रहती है, साउंड की सेटिंग रहती है, और भी बहुत सी सेटिंग रहती है, तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा मैं। सभी गाड़ियों में आता है ये, बलिनो में, स्विफ्ट में, आर्टिका में, मारुति की और बहुत सारी गाड़ियाँ रहती है, उन सब में सेम फ्यूचर रहता है, तो उसी के बारे में आज बताऊँगा मैं आपको। तो सबसे पहला जो फ्यूचर मैं बताता हूँ इसका, लॉक अनलॉक करने पर जो साउंड आता है वो आपको डीएक्टिवेट करना हो कुछ देर के लिए तो वो भी आप कर सकते हो। पहले मैं आपको साउंड दिखा देता हूँ। ये लॉक करने पर साउंड आ रहा है और ये अनलॉक करने पर भी साउंड आ रहा है, तो आप इसको, अगर आपको इसको थोड़ी देर के लिए बंद करना हो, नाइट में आप गाड़ी पार्क करते हो कहीं पर, तो आपको ये साउंड नहीं चाहिए, तो आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। सिंपली आपको ये दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना है, तो मैंने प्रेस कर दिए। अब गाड़ी में लॉक करूँगा, साउंड नहीं आया। ये अनलॉक करने पर दोनों पर साउंड नहीं आया, तो ये 5 सेकंड के लिए होता है। अब मैं इसको लॉक करूँगा तो ये साउंड आने लग गया, तो ये 5 सेकंड के लिए होता है बस। बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है ये। दूसरा इसके अंदर जो फ्यूचर आता है वो ये आता है, गाड़ी आप कभी मॉल वगैरह में पार्क करते हो और आपको कभी गाड़ी मिलती नहीं है, आप भूल जाते हो, तो आप उस गाड़ी को कैसे ढूंढ सकते हो? तो जो इसका बीप का साउंड आता है जब सेंट्रल लॉक का, आप उसे ऑन कर सकते हो चाबी से। ये जो दोनों बटन है, ये दोनों बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो इसका जो बीप का साउंड है वो कंटिन्यू ऑन हो जाएगा, तो उससे आप गाड़ी ढूंढ सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको दोनों बटन को एक साथ दबा के लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है, तो ये बीप का साउंड आने लग गया है, आप इससे गाड़ी ढूंढ सकते हो। और फिर इसके बाद इसको डीएक्टिवेट करना है, तो ये दोनों बटन को एक बार प्रेस करना है। ये मैंने प्रेस करा तो इसका जो बीप का साउंड है वो बंद हो गया है, तो ये भी बहुत बढ़िया फ्यूचर है इसके अंदर। तीसरा जो इसका फ्यूचर है, अगर आपको लॉक अनलॉक का साउंड बंद करना हो परमानेंटली, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये साउंड आ रहा है लॉक अनलॉक करने पर, अगर आपको इसको परमानेंट बंद करना हो साउंड को, तो आप ये भी कर सकते हो। सिंपल आपको चाबी लगाना है गाड़ी के अंदर, इग्निशन ऑन करना है, फिर उसके बाद चाबी बंद करके पूरी बाहर निकाल लेना है। उसके बाद जो ये अलार्म वाला बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, तो इसके अंदर एक लाइट जलेगी, लाइट शो करेगी, तो ये लाइट शो करने लग गई है, आपका जो सेंट्रल लॉक का साउंड है वो बंद हो गया परमानेंट, तो ये साउंड परमानेंटली बंद हो गया इसका। वापस इसको आपको चालू करना हो तो आपको चाबी चालू करना है वापस, और चाबी बंद करके वापस बाहर निकाल लेना है, और अलार्म के जो बटन को इसको लॉन्ग प्रेस करना है, तो आपको बीप का साउंड सुनाई देगा एक, तो ये जो बीप का साउंड सुनाई दिया है तो ये हमारा जो सेंट्रल लॉक का साउंड है वो ऑन हो गया है। तो ये है इसका तीसरा फ्यूचर। चौथा फ्यूचर इसके शॉक सेंसर के ऊपर है। शॉक सेंसर वो होता है जब अपन गाड़ी लॉक कर देते हैं, गाड़ी लॉक करने के बाद कोई छेड़खानी करता है गाड़ी के साथ, तो गाड़ी का सायरन ऑन हो जाता है, परमानेंट बजने लग जाता है। या अभी नहीं बज रहा है, मैं गाड़ी के लॉक खोल रहा हूँ डोर के, टायर पर भी मैं ठोक रहा हूँ, तो भी इसका साउंड जो है वो नहीं बज रहा है। तो इसको कैसे आप एक्टिवेट करोगे? तो सबसे पहला इसकी चाबी चालू करना है, चाबी चालू करने के बाद पूरी बंद करके बाहर निकालना है, फिर जो अलार्म वाला जो बटन रहता है उसको 4 बार प्रेस करना है, और 5वीं बार लॉन्ग प्रेस करके रखना है, फिर उसके बाद एक बीप का साउंड सुनाई देगा आपको, फिर लॉक का बटन दबाना है, 1 2 3 4, ये 5वीं बार लॉन्ग प्रेस किया, साउंड आया, लॉक का बटन दबाया मैंने, एक बार और साउंड आएगा, तो बीप का साउंड आया है, मतलब हमारा शॉक सेंसर है वो एक्टिवेट हो गया है। अब मैं इसका गेट लगाता हूँ, गेट लगाने के बाद गाड़ी लॉक करता हूँ। अब मैं इसका जो डोर का जो ये हैंडल रहता है ये खोलूँगा, डोर खोलूँगा इसका, तो हमारा साउंड ऑन हो जाएगा, तो साउंड इसका बजने लग गया है। टायर पर भी मैं ठोक के दिखाता हूँ आपको, तो ये इसका बीप का जो साउंड है वो साउंड ऑन हो गया है। तो इस तरीके से जो इसका शॉक सेंसर रहता है उसको एक्टिवेट करते हैं। अब इसको डीएक्टिवेट करना हो आपको तो वही प्रोसेस करना है आपको, वापस आपको इसकी चाबी चालू करना है, चाबी चालू करने के बाद बंद करके पूरी बाहर निकालना है, फिर इसको 4 बार दबाना है, 1 2 3 4, 5वीं बार लॉन्ग प्रेस करके रखना है, बीप का साउंड आया, ये लॉक का बटन दबाया, वे एक और बीप का साउंड आएगा, ये बीप का साउंड आया, इसका जो शॉक सेंसर है वो डीएक्टिवेट हो गया। अब मैं गाड़ी लॉक करूँगा, अब इसका डोर खोलूँगा तो कोई बीप का साउंड नहीं आएगा, तो
तो ये कोई बीप का साउंड नहीं आ रहा है, इसका जो शॉक सेंसर है वो डीएक्टिवेट हो गया है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर देती है मारुति कंपनी, बहुत सी कारों में आता है मारुति की जिसमें ये वाली चाबी रहती है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।